माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं अंकुरित मूंग मसाला बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी वाली सब्जी है, तो एक बार इसे जरूर से बनाइएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंकुरित मूंग ले लिए है। मूंग को कैसे अंकुरित करते हैं ये अगर आपको देखना है तो इसके आगे वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। मैंने उसमें मूंग को किस तरीके से अंकुरित करने के लिए रखा था वो आपको पूरी प्रोसेस देखने मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने मूंग ले लिए है अंकुरित। ये दो हरी मिर्च है जिसे मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है और कड़ी पत्ता है। आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी ले सकते हो या इसे बारीक काट के भी ले सकते हो। और नमक है और बाकी हमारे रूटीन के सारे मसाले हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गरम होता है इसके अंदर हमें जीरा डालना है। जीरा अच्छे से फूटने लगा है तो अभी इसके अंदर हरी मिर्च और करी पत्ता डालना है और इसे अच्छे से हमें भूनने देना है। अभी इसके अंदर हमें आधी चम्मच हींग पाउडर डालना है और इसे भी अच्छे से मिला देना है। हींग और हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो पहले आप हींग पाउडर डाल दीजिए मिर्ची डालने के बाद। अभी इसमें हमें हल्दी पाउडर डालना है और इसे भी अच्छे से हमें मिला देना है। अभी हमने जो मूंग को अंकुरित करके रखा था वो मूंग हमें इसमें डाल देना है। और सारे मूंग को हमें बहुत ही अच्छे से मिला देना है। अभी गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और मूंग को हमें अच्छे से मसाले के साथ मिला देना है पहले। अभी मूंग में तेल और मसाला अच्छे से मिल चुका है तो हमारे बाकी के जो सूखे मसाले बाकी हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। तो मैं लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपको धनिया जीरा पाउडर पसंद है तो आप डालिए, वरना इसे अवॉइड भी कर सकते हो टेस्ट के हिसाब से। अभी इसमें हमें नमक डाल देना है। और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी हमें चीनी डालनी है, इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इन सारे मसालों को मूंग के साथ अच्छे से हमें मिला देना है। अगर आप चाहे तो इसमें पानी डाल सकते हो, वरना आप ऐसे ही सूखे वाले मूंग भी एंजॉय कर सकते हो। ये मूंग कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आप इसे सैलेड की तरह भी एंजॉय कर सकते हो, या छाछ के साथ पराठा और मूंग लीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ और इसके बाद इसमें हमें आधा नींबू का जूस डालना है, लेकिन थोड़े मूंग पक जाए उसके बाद ही हमें इसमें डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मूंग को 2 मिनट हो चुके हैं तो हम खोल के देख लेते हैं। ये मूंग कच्चे पके ही अच्छे लगते हैं, इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा पकाना है तो आप 1 मिसल होने दीजिए, तब भी आपको मूंग की सब्जी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन कच्चे पके खाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो अभी इसके अंदर हम आधा नींबू का जूस डाल देते हैं और अभी इसे अच्छे से हमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स, अंकुरित मूंग मसाला बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।